हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ वाले मैं एडवोकेट प्रवीण सिंगल आज आपको बताने जा रहा हूं लास्ट वीक की इम्पोर्टेंट लीगल न्यूज तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या एक पर्सन जो गाड़ी में अकेला ड्राइव करके जा रहा है क्या उसे मास्क पहनना जरूरी है जो हेल्थ मिनिस्ट्री से गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंगली मास्क पहनना जरूरी है चाहे वो अकेले ड्राइव कर रहा है या गाड़ी में और लोग भी हैं लेकिन एक स्टेटमेंट में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि मास्क पहनना एक अकेले पर्सन को जरूरी नहीं है लेकिन उसका कोई आपके पास राइटिंग में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसीलिए ये कंफ्यूजन बना हुआ है इसी को लेकर एक एडवोकेट साहब जिनके ऊपर अकेले गाड़ी चलाते हुए वो जा रहे थे मास्क नहीं पहना हुआ था गाड़ी लॉक थी शीशे बंद थे और उनके ऊपर फिर भी पांच सौ का चलान कर दिया गया तो उन्होंने हाईकोर्ट में अभी केस फाइल किया है और दस लाख रूपये का कम्पनसेशन मांगा है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया है जो देखेगा कि जो लॉकडाउन में लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट था क्या उसको वेव ऑफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है इसका और इसकी रिपोर्ट उन्हें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भेजनी है और उसके बाद ये डिसीजन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी कि क्या वो वेवर होगा इंटरेस्ट के ऊपर या नहीं होगा नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं कोई भी एक इंडिविजुअल अगर एडवाइजरी दे रहा है स्टॉक से रिलेटेड की क्या उनसे स्टॉक परचेज करने हैं शेयर परचेज करना है क्या फ्यूचर निफ्टी से रिलेटेड अगर कोई इंडिविजुअल जो कि रजिस्टर्ड नहीं है एस पर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी रेगुलेशन तो वो अपनी एडवाइजरी नहीं दे सकता है और ऐसे ही एक केस में एक मिस्टर कृष्णा मूर्ति जो ऐसी एडवाइजरी दे रहे थे उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है इवन उनके जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उनको कहा गया है कि ये आप डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे जब तक कि हमारी रूलिंग फाइनल रूलिंग नहीं आ जाती है नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं क्या सेम सेक्स की मैरिज इंडिया में हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर सोलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंगली एक मैन और एक वुमेन की जरूरत पड़ती है किसी भी मैरिज को करने के लिए किसी को किसी मैरिज को सोलिमनाइज करने के लिए लेकिन अगर सेम जेंडर होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन अपोजिशन ने कहा है कि वहां पे वर्ड जो हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा है हस्बैंड एंड वाइफ लिखा है कहीं भी उन्होंने सेक्स को मेल और फीमेल को मेंशन नहीं किया है इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 21 अक्टूबर 2020 को है देखते हैं आगे क्या रूलिंग आती है नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हमारे जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे कार ने यूके कोर्ट में डिपोज किया है कहा है कि नीरव मोदी अगर इंडिया में आते हैं तो उनके अगेंस्ट फेयर ट्रायल नहीं होगा मींस उनके मींस फेयर ट्रायल होने का मतलब क्या होगा कि एक बाय ट्रायल होगा और उनको सही तरीके से एक इंसाफ जस्टिस नहीं मिल पाएगा ये उन्होंने डिपोज किया है और आगे देखते हैं इसको इस डिपोज को लेके जो यूके की कोर्ट्स है क्या अपना स्टैंड लेती है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जो स्टे लगाया था ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पहले एनसीएलटी ने जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की थी अनिल अंबानी जी के अगेंस्ट उसके ऊपर स्टे लगाया हाई कोर्ट ने अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस स्टे को बरकरार रखा है और कहा है कि जब तक ये अभी मीन्स फाइनल प्रोसीडिंग नहीं हो जाती है तब तक ये स्टे लगा रहेगा इनके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं अभी जो ऑर्डर आए थे कि जो असलम एरिया है नियर डेली ट्रैक्स जो कि 140 किलोमीटर की लेंथ में फैले हुए हैं उसके आसपास के जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको तोड़ने के आदेश आए थे लेकिन अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम इसकी स्टडी कर रहे हैं चार वीक हमें स्टडी करने के लिए लगेंगे इसलिए अभी हम ये झुग्गिया नहीं तोड़ेंगे चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के जो कंट्रोवर्शियल एक शो था जिसका नाम था यूपीएससी जिहाद शो इसके ब्रॉडकास्टिंग पर फिलहाल के लिए उन्होंने बैन लगा दिया है और कहा है कि आप पहले में उनका जवाब मांगा है इसकी नेक्स्ट वीक में अभी हेयरिंग है देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट फर्दर इसके ऊपर क्या स्टैंड लेती है एक मेजर डॉटर मीन्स अठारह साल की एक डॉटर हो गई है जो कि साउंड माइंड की है वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है अपने फादर से जब तक माइनर है तब तक फादर की ड्यूटी बनती है कि अपनी डॉटर को मेंटेन करे लेकिन जैसे ही वो अठारह साल की हो जाएगी आ, फादर की ड्यूटी नहीं है वो आ, अपनी डॉटर को मेंटेनेंस के लिए पैसे दे और ये मेंटेनेंस क्या किसमें ली जा सकती है अंडर सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव ऑफ सीआरपीसी जिसमें डॉटर अपने फादर से मांग सकती है जो कि माइनर है पेरेंट्स बूढ़े पेरेंट्स सीनियर सिटीजन अपने बच्चे से मांग सकते हैं या वाइफ अपने हस्बैंड से अगर डिवोर्स हो रहा है तो मेंटेनेंस मांग सकती वन ट्वेंटी फाइव सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं बाबरी डेमोलिशन का जो केस है इसकी फाइनल जजमेंट आनी है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है 30 सितंबर 2020 को इसमें जो एमिनेंट बीजेपी लीडर्स हैं लाइक मिस्टर एल के अडवाणी मिस्टर कल्याण सिंह उमा भारती मुरली मनोहर जी ये एक्यूज्ड हैं और तीस सितंबर की हमें वेट करनी है कि क्या फाइनल जजमेंट इनके अगेंस्ट इस केस में आता है स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर कोई आ, कपल अपनी मैरिज करने के लिए रजिस्ट्रार को अप्रोच करता है तो उसमें क्या होता है उन्हें थर्टी डेज का नोटिस देना होता है और जिसमें उन्हें अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन देनी होती है प्राइवेट डिटेल्स देनी होती है लेकिन इसको चैलेंज किया गया है कि अपील फाइल की गई है जिसमें कहा गया है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन या नोटिस एक महीना पहले देना है हाँ ये इस जो मुस्लिम लॉ है उसमें देना जरूरी है लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें देना जरूरी नहीं है इसलिए इस जो प्रोविजन है पब्लिक नोटिस का इसे हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू के लिए हटा देना चाहिए कोई भी स्टैंप ड्यूटी अगर आप कम पे करते हो सपोज हंड्रेड रुपीज की स्टैंप ड्यूटी थी और आपने टेन रुपीज की स्टैंप ड्यूटी पे की है तो आपने कितनी कम पे किया नाइन्टी रुपीज कम पे किया है नाइन तो रुपीज का टेन टाइम्स पेनल्टी आपको इम्पोज कर सकती है कोर्ट लेकिन कोर्ट ने कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो टेन टाइम्स की पेनल्टी है इज़ अपने आप नहीं होगी उसमें सरकम देखने होंगे और देखना पड़ेगा कि क्या जो सामने वाला है उसकी इंटेंशन आ, लोगों को बेफको मीन जो इंडियन एक्सचेकर है उसको नुकसान पहुंचाने की थी या नहीं थी अगर नहीं थी तो इस केस में आ, जरूरी नहीं है कि टेन टाइम्स की पेनल्टी हो तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही आपके कोई भी अगर आपको लगता है इन न्यूज में से या कोई भी टॉपिक पर आपको एक फुल फ्लेजेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और आप हमसे लीगल एडवाइजरी भी ले सकते हैं जिसके मेंबरशिप प्लान आपको अगर आप मेल आईडी हमें दीजिए हम आपको मेल कर देंगे Thank you.